एवरीवन, आई एम नीलिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सोच रहे हैं अपने सोफ़ा को न्यू लुक देने के लिए बिना किसी कारपेंटर या बिना किसी टेलर के पास गए हुए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आज आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू दूँगी सोफ़ा कवर की। ये इसकी पार्ट वन है, पार्ट टू भी इसके बाद वीडियो आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये है सोफ़ा का कवर। कुछ इस तरह के पैकेट में मुझे ये मिला था फ्लिपकार्ट से। ये एक जिप बैग में है और आइए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है सोफ़ा का कपड़ा, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये रेडीमेड कवर है और आप इसे ईज़िली अपने सोफ़ा पे लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो में ये दिखा रही हूँ, इसकी ये कलर और डिज़ाइन, और इसके चारों तरफ इलास्टिक लगी हुई है। स्ट्रेचेबल है बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में। और ये है रबर। आपको सोफ़ा कवर लगाने के बाद इसे बांध देना है खींच कर, जितने भी हो सोफ़ा को एडजस्ट करने। और ये तो हो गया सोफ़ा का कवर जो आपने देख लिया। अब देख लीजिए इसके पिलर। सोफ़ा कवर के साथ मुझे रिसीव हुआ था सोफ़ा पिलर, जिसे आप लगाने के बाद लगाइए सोफ़े में। देखिए कुछ इस तरह से ये थर्मोकोल का बना हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है और इसे सोफ़ा कवर फटने की कोई चांसेस भी नहीं है। हर पिलर को आपको सोफ़े में लगा के एडजस्ट करना है, जिससे उठने या बैठने में वो खिसकेगा नहीं, बिल्कुल एडजस्ट रहेगा और बिल्कुल सोफ़े से चिपका हुआ रहेगा। इस पिलर की खासियत ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी की है। और ये मेरे सोफ़ा का बिफोर लुक है कवर लगाने से पहले की। ये कवर मैंने टेलर से बनवाया था, मुझे कुछ 8000 रुपीज़ इस पर लगे थे कवर विद कपड़े के साथ। आप चाहें तो ऐसी सेल्फ डिज़ाइन अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। आइए देती हूँ आफ्टर लुक। ये है मेरे सोफ़ा का आफ्टर लुक जिसे मैंने लगाया है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर लुक। आपको जो भी पसंद हो आप वो कवर बनवाएं, या फिर टेलर या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल है। आपको जहाँ से पसंद हो आप वहाँ से कवर मंगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि रिव्यू चेक किए बिना बिल्कुल मत मंगाइएगा। किसी की क्वालिटी अच्छी रहती है तो किसी की ख़राब। तो आपको इसमें से कौन सी कवर अच्छी लगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सोफ़ा कवर भी। अगर वीडियो सही में हेल्पफुल है और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट टू में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको रिव्यू दूंगी फुल सेट सोफ़ा कवर की। एल सेट में कितनी सोफ़ा सेट कवर की ज़रूरत पड़ती है और थ्री पीस सोफ़ा सेट में कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।